मिस्टर रुद्र, अब ये नौकरी किसी और को मिल चुकी है। सर, अब किसी और को नौकरी कैसे दे सकते हैं? ये नौकरी तो मुझे मिल चुकी थी ना। मिल चुकी थी और कंडीशन ये थी कि तुमको आज से ही ज्वाइन करना था, लेकिन तुमने नहीं किया और बिना बताए घर चले गए। हमें कैंडिडेट की जरूरत थी और हमने आपकी जगह दूसरे कैंडिडेट को रख लिया है। अरे सर, मेरी नौकरी आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? ये गलत है, गलत है। मिस्टर रुद्र, तुम्हारी जगह किसी और को नौकरी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, ये तुम मुझे नहीं सिखा सकते हो। सर, 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 आप सर, मैं बहुत मजबूर हूँ सर, मुझे एक नौकरी किसी भी हालत में चाहिए सर। वैसे भी नौकरी मुझे मिल चुकी थी सर, प्लीज मुझे समझाना, मैं आपको समझाता हूँ सर। तो तुम मुझे समझाओगे मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसे लोग फ्रस्ट्रेशन में भूल जाते हैं और अपनी औकात भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। आई से गेट आउट, नहीं देनी है मुझे तुम्हें नौकरी। मेरी नौकरी मैं लेके रहूंगा, ये मेरी नौकरी है, समझे आप? मेरी नौकरी कोई नहीं ले सकता मुझसे, ये नौकरी मेरी है। सिक्योरिटी मेरी है, समझे तुम? सिक्योरिटी क्या? सिक्योरिटी मेरी नौकरी आप किसी और को कैसे दे सकते हो? ऐसे कैसे दे किसी और को? अरे नौकरी है यार, मेरी नौकरी है ये, नौकरी मेरी है ये। तुम्हारे वो नौकरी मुझे मिल चुकी है यार, वो नौकरी मुझे मिल चुकी है ऑलरेडी। नौकरी नहीं छीन सकते मेरी। मेरे ऑफिस में तो क्या, हरिद्वार के किसी भी ऑफिस में नौकरी नहीं करने दूंगा, पूरे हरिद्वार में बदनाम करके रख दूंगा, बाहर निकाल कर फेंक दो इसे। हमेशा के लिए रहना, और फिर मुझे अब नौकरी मिल गई है। मिस्टर रुद्र, अब ये नौकरी किसी और को मिल चुकी है। और अब जब तुम्हें नौकरी मिल गई है तो अपनी पत्नी की महंगी फरमाइशों के लिए तैयार हो जाओ। तो मैं तेरी हर फरमाइश पूरी करने को तैयार हूं। रिश्ते भरोसे चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है, समझे थे हाथों में है जमीन, मुट्ठी जो खोले बस खाक है। दिल में ये शोर है क्यों, ईमान कमजोर है क्यों, नाजुक ये डोर है क्यों। हर बार की तरह फिर से मैं वादा निभाने में नाकामयाब रहा। क्या मुंह दिखाऊंगा गौरी को? और अब तो माँ और केत की भाभी की भी जिम्मेदारी मुझ पर है। कैसे निभाऊंगा सबको? कैसे आएंगे घर में पैसे? कैसे? अरे एक मिनट, रुको रुको, बैठो बैठो। गौरी यहाँ आओ, एक बात हमें बताओ कि जिसके लिए पार्टी हो रही है वो मिस्टर कार? अरे शन्नू भाभी, वो रुद्र को आज से ही नौकरी पर जाना था और लगता है कि आज पहले दिन से ही काम का खूब जोर शोर है। सच कहूं तो ये नौकरी करके रुद्र ने सबको बहुत खुशी दी, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा है वो। रुद्र को नौकरी मिल गई, इसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे है बेटा। रुद्र अब काबिल बन गया है, इसकी वजह तू है गौरी बेटा। शुरू करो। सैया को मिल गई नौकरी रे, नाचे रे दुल्हनिया। सैया को नौकरी मिल गई रे, नाचे रे दुल्हनिया। वाह, सैया को नौकरी मिल गई रे, नाचे रे दुल्हनिया। सैया को नौकरी, अरे आगे भी तो गा शन्नू, नाचे रुद्र। रुद्र आ गया। आ गए तुम? देखो सब कितने खुश हैं। अरे वाह, देखो तो क्या रौनक है चेहरे पर। पहली नौकरी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा।
काश तेरे बाबूजी यहाँ होते तो बहुत खुश होते। तूने वो कर दिखाया है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वाकई बहुत फक्र महसूस करते वो। माँ, वो एक्चुअली मुझे एक्सक्यूज मी, ओपन माउथ। गौरी, की थाली को बीच में रोकना अपशगुन होता है। हाँ बेटा, मुझे नौकरी नहीं मिली गौरी। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें ये नौकरी मिल चुकी है। हर बात बताना जरूरी होता है क्या? नहीं मिली नौकरी, क्या करूं अब? अरे इसकी शराब के लत के बारे में पता चल गया होगा उन्हें। इससे पहले भी इसी वजह से उसे नौकरी नहीं मिली थी। चुप कीजिए नानी, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा तो मत भूलिए। अरे मेरा मुंह तो बंद करा देगी, बाकी सब क्या क्या करेगी? सच तो कह रही हूँ, एक हफ्ता हो गया इसे मोहल्ले में आकर, फिर भी नौकरी नहीं ढूंढ पाया। निकम्मा कहीं का। रुद्र ने शराब छोड़ दी है कालकी जी, आप कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देती है। अगर तूने अच्छी परवरिश की होती तो आज मेरे नातिन को शन्नो के पैसे का मोहताज नहीं होना पड़ता ये जश्न मनाने के लिए। अरे इससे ज्यादा पैसे तो शादी से पहले खुद ही कमा लेती थी। अगर ऐसा ही था तो इस शादी के लिए आप लोग राजी ही क्यों हुए? माफ कीजिए कल्कि जी, बहुत लड़कों से बहुत अच्छा है मेरा बेटा। आए हाय हाय, माँ को कभी अपने बच्चे की बुराई दिखाई नहीं देती। अरे वो इतना काबिल है तो मेरी नातिन पैसे पैसे के लिए मोहताज क्यों है? बहुत बड़ा निकम्मा है ये। बस नानी, मैं अपने पति के खिलाफ और कुछ नहीं सुन सकती। अरे आप मेरे पति के घर में आकर उसी की बेइज्जती कर रही है, और रहा सवाल उसके काबिल होने का, तो मुझे पूरा विश्वास है वो एक दिन सबको चुप करवाने की क्षमता रखता है। आप प्लीज यहां से चले जाइए नानी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सबके सामने मेरे मुंह से अपनी नानी के लिए कुछ भी बुरा भला निकले। प्लीज जाइए यहां से। जा रही हूं, लड़ती रहना अपने निकम्मे पति के साथ। गौरी ठीक कह रही है बेटा, हम सबको यकीन है कि तुझे इससे भी अच्छी नौकरी मिलेगी। गौरी जाओ, तुम अपने मिस्टर को खाना खिला दो और हम चलते हैं, कल सवेरे मिलेंगे। गंगा मैया से प्रार्थना करो, हम भी करेंगे, कि तुम्हारे मिस्टर को अच्छी सी जॉब मिल जाए। भाई किराया देना है ना अगले महीने का, ठीक है ना? सब ठीक करो। अरे चलो भाई, तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कोई नागा बाबा का जलूस निकलेगा। चलो उठो, उठाओ अपनी ढोलक, चलो तमाशा ना देखो, चलो चलो। क्या तुम तारे गिन सकते हो सारे के सारे? नहीं गौरी, मैं तो इससे आसान चीजें भी नहीं कर सकता। सारे तारे तो कोई भी नहीं गिन सकता रुद्र, लेकिन हम चाहें तो उन
तारों तक पहुंच जरूर सकते हैं। हाँ, उन तारों तक पहुंचने में कुछ मुसीबतें, कुछ अड़चने जरूर आएंगी, लेकिन अगर हमारी नजर उन तारों पर टिकी रहे ना, तो सारी मुसीबतें और अड़चने बस हमें छूकर निकल जाएंगी। अच्छा, एक काम करो, सारे तारे मत गिरो, तुम बस एक तारा ढूंढो जो तुम्हें चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है तुम उस तारे से भी काफी आगे निकलोगे। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है रूप, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें भी अपनी काबिलियत पर उतना ही भरोसा। जरूर करूंगा। अच्छा, एक तारा चुन। पहले बताओ क्यों? अरे चुन तो सही। वो वहां, वो तारा मुझे पसंद, पता है क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग है और सबसे चमकीला भी है ना। तो देखो वहां पे गौरी, अब यही तारा मेरे मन से, जानती इस तारे में क्या? मेरी सारी खुशियां। और फिर तू देखना, खुशियां दौड़ के हमें ढूंढ लेगी। हमारे पास बहुत बड़ा घर होगा, 5 गाड़ियां होंगी और एक मिनट, 5 गाड़ियां क्यों? एक गाड़ी मेरी, एक तेरी, एक हमारे बच्चों की। और बची 2, एक केत की भाभी की, एक माँ की। और उस घर में वो सब लोग रहेंगे जिन लोगों ने हमारे दुख में साथ दिया। तेरी प्यारी माँ, कड़वी नानी, स्वीट उमंग, झुमरू और पागल शन्नू। इतनी भी बुरी नहीं है वो। और हाँ, हमारे घर में सबके लिए अलग अलग कमरे होंगे। और सबसे जरूरी बात, बाथरूम अच्छा वाला। तंग आ चुका हूं मैं ये गली में लोटा लेके जाके, सीरियसली। बस एक ही चीज होगी जो हमारे घर में नहीं होगी। क्या? रिमझिम बरसती छत। अच्छा, वो वाला तारा देखा? वो वाला जो लेफ्ट में थोड़ा सा बड़ा नहीं? गौरी बेटा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम लोग बिस्तर कहाँ लगाएं? हम लोग लगा लेंगे, बस तुम बता दो। अरे माँ जी, आप बिस्तर क्यों लगाएंगी? मैं लगाती हूँ ना बिस्तर। अरे बेटा, तुम लोग बैठ के बातें करो। नहीं नहीं माँ जी, आप कुछ कोई काम नहीं करेंगे, चलिए आप मेरे साथ चलिए। लगा लेंगे गौरी, तू समझती क्यों नहीं है? गौरी बेटा, मैंने कहा ना मैं नीचे सो जाऊंगी। नहीं माँ जी, आप नीचे बिल्कुल नहीं सोएंगी, नीचे मैं सो जाऊंगी। क्या कंफ्यूजन भाई, बताओ। रुद्र देखो ना, माँ जी जिद कर रही कि वो नीचे सोएंगी, अब मेरे होते भला वो नीचे क्यों सोएंगी, समझाओ ना इन्हें। माँ गौरी ठीक कह रही है, तू नीचे नहीं सो सकती। अरे क्यों नहीं सो सकती? क्योंकि तू बूढ़ी हो चुकी है। माँ पलंग पे सोएगी, और भाभी जब तक मैं पलंग नहीं आता तब तक आप यहाँ पे, ठीक है? अरे देवर जी, पलंग तो जब आएगा तब आएगा, फिलहाल माजी पलंग पर सोएंगी, आप दोनों यहाँ सो जाइए और मैं रसोई में सो जाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मेरे होते हुए आप रसोई में क्यों सोएंगी? मैं आपको रसोई में सोने नहीं दे सकती। नहीं नहीं, मैं वहाँ सो जाऊंगी। पर गौरी, हम सब एक कमरे में कैसे सो सकते हैं? एक मिनट, सारी औरतें यहाँ सोएंगी और मैं यहाँ रसोई, ठीक है? अरे रुद्र, तुम किचन में क्यों सोगे? देखिए आप तीनों आराम से यहाँ सोइए, मैं रसोई में सो जाती हूँ, मुझे तो वैसे भी आदत है ना। रुद्र चुप करो, मैं घर की बड़ी हूँ ना, तो मैं फैसला करूंगी कि कौन कहाँ सोएगा। इधर आओ, देखो तुम दोनों यहाँ सोओगे और मैं और केत की रसोई में। नहीं माँ जी, कैसे मतलब? नहीं, मैं आपको और भाभी को रसोई में नहीं सोने दूंगी, बस। और मैं पति पत्नी को अलग अलग नहीं सोने दूंगी, बस। ठीक है, पति पत्नी अलग नहीं सोएंगे,
गौरी और मैं वहाँ पर रसोई में एक साथ सो जाएंगे, आप आगे नहीं नहीं देवर जी, रसोई में मैं सो जाती हूँ, मैंने कहा ना गौरी से। अरे अरे कैसे कहा, जब मैंने फैसला किया कि तुम और मैं रसोई में। माँ जी माँ जी माँ जी गौरी मेरा बात नहीं सुनिए। अरे मेरी एक बात मेरी बात तो सुनो यार, एकदम चुप, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी ने कुछ बोला तो मैं बाहर सो जाऊंगा मच्छरों के साथ। माँ मच्छर काटेंगे फिर मत बोलना। अरे अरे अब जो मैं कहूंगा वही होगा, बस ओके ठीक है। प्रिया मैडम, मैं सोच रहा था कि हमें छुट्टियों पर चलना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हें छुट्टियों पर जाना बहुत पसंद है। अल्मोड़ा चलें? माँ कहती है हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ एक मंदिर है जहाँ जाने से मन को एक अजीब तरह की शांति मिलती है। अगर पूर्णिमा की रात वहाँ नंगे पैर रुद्राभिषेक। मुझसे बहुत नफरत करता है, वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुम ही बताओ ऐसा क्या किया है? क्या किया है मैंने? कुछ नहीं किया है, वो तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता। हाँ थोड़ा गुस्सा है वो, पर तो तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि वो मेरे साथ फिर से नॉर्मल हो जाए? बोलो। उसके साथ बैठो, ढेर सारी बातें करो, सारे गिले शिकवे दूर कर दो, लेकिन उससे पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, और ठीक होने के लिए आराम करना पड़ेगा। चलो सो जाओ, अब लेटो, चलो सो जाओ। रुद्र हेट्स मी, बहुत से नफरत करता है। अब ठीक, गुड नाइट माँ। गुड नाइट। गुड नाइट बाबी। शादी तेरी इज्जत तुझे वापस देने के लिए की है, इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं जानती हूँ रुद्र, तुम सिर्फ पीहू से प्यार करते थे, शायद इसीलिए किसी और के साथ नजदीकियां तुम्हें और भी परेशानी में डाल देती हैं, और मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती। मेरे ख्याल से मुझे अपना बिस्तर थोड़ा दूर कर लेना चाहिए। सो जाऊंगा, मुझे आज कहीं भी नींद आ जाएगी। अरे ये लोग तकिया लेना तो भूल ही गए। गौरी बहू। हाँ बेटा, ये क्या देना था?
ये क्या पति पत्नी के बीच इतनी दूरियां, कहीं हमारी वजह से तो नहीं? नहीं, मैं इनकी ये दूरियां खत्म करके रहूंगी, किसी को भी इनकी दूरियों का फायदा उठाने नहीं दूंगी।